अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच। ये पिज़्ज़ा सैंडविच खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ये मैंने 1.25 किलो चिकन ली हूँ, ये बोनलेस चिकन है। उसमें ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल दी हूँ, ये चिल्ली फ्लेक्स। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर और विनेगर। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूंगी। 15 मिनट हो गया, मैंने अपने फ्राई पैन में तेल गरम करके चिकन को डाल दी हूँ और इसको 2 से 3 मिनट भुनेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी। 10 मिनट बाद पानी भी सूख जाएगा और मेरा चिकन भी अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट बाद। ये मैंने टोमेटो सॉस में ब्लैक पेपर पाउडर और मिक्स हर्ब और ऑर्गेनो, चिल्ली फ्लेक्स सारी चीज़ें डाल के मैं मिक्स करके रख दी हूँ। और ये मैं मायोनीज ले रही हूँ, इसमें मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये मैं एक सलाद बना रही हूँ, आगे सैंडविच में ये मैं डालूँगी और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं मिक्स करके साइड में रख दूंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, मेरा चिकन भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब मैं अपने चूल्हे को बंद कर दूंगी। सबसे पहले ब्रेड के ऊपर मैंने जो टोमेटो सॉस, मिक्स हर्ब, ऑर्गेनो और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी वो डाल रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर चिकन अच्छे तरीके से रख दूंगी। इसके बाद मैं दूसरे स्लाइस पे ब्रेड के वही सेम प्रोसेस करूंगी और उसको भी इसके ऊपर कवर कर दूंगी। दूसरे स्लाइस पे मैं ऊपर की साइड में ये जो मैंने सलाद बना के रखी थी वो रख रही हूँ। तीसरे वाले ब्रेड पे भी मैं सेम ये पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी, उसके ऊपर मैं मायोनीज डालूँगी। और अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ, ये मैं बहुत सारा चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बची हुई शिमला मिर्च मैं थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए अच्छा डाल रही हूँ और ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स मेरे पास थे वो मैं डाल रही हूँ। इससे ये ब्रेड सैंडविच पिज़्ज़ा बहुत अच्छा देखने में लगता है और खाने में तो ये टेस्टी बहुत ज़्यादा होता ही है। अब इस पे मैं थोड़ा सा खाली टोमेटो केचप डाल रही हूँ कलरफुल बनाने के लिए, बस पूरी तरह से ये ऑप्शनल है। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ और दूसरी भी मैं सैंडविच बना के तैयार कर रही हूँ सेम प्रोसेस से। ये मैं चिकन डाल रही हूँ ब्रेड के ऊपर, उसको दूसरे स्लाइस से कवर करके
ऊपर से मैं हम लोग जो सलाद बनाए थे वो डाल देंगे। उसके ऊपर मैं दूसरे स्लाइस से कवर कर रही हूँ। टॉप पे मैंने टोमेटो सॉस लगा दी हूँ और फिर मायोनीज डालूँगी। इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली हूँ। अब उसके ऊपर शिमला मिर्च के छोटे छोटे क्यूब्स मैं रख रही हूँ, ऑलिव्स, टोमेटो सॉस थोड़ा सा लगा देंगे। अब इसको मैं अपनी बेकिंग ट्रे में डाल के 10 मिनट के लिए मैं ओवन में डाल दूंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, मेरा पिज़्ज़ा सैंडविच बनके एकदम तैयार है खाने के लिए। देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना टेस्टी है खाने में, तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा।